हेलो, फ्रूट्स मिल गए हैं तुम्हें? मैंने आपसे कई बार कहा है जुबैर भाई, ये सब ना क्या करें। अच्छा लगता है मुझे, शहजाद के लिए लेकर आता हूँ। किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना। जरूरत होगी तो बता दूं, लेकिन प्लीज ये तकल्लुफ ना क्या करें आप। तकल्लुफ कैसा असमत, तुम लोग अब मेरी जिम्मेदारी हो। पराया तो पहले भी कभी नहीं समझा मैंने, अब तो मेरा फर्ज है। अब मुझे गैर मत समझा करो असमत। जुबैर भाई, बेहतर होगा कि आप मेरा नाम लेके मुझसे ना बात करें। फरमान इस दुनिया में नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे और आपके रिश्ते की नौयत बदल गई है। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने, छोटी सी बात तो बिगड़ रही हो तुम तो। मेरा नाम लेके बात करने का इख्तियार सिर्फ फरमान के पास था। अम्मा उसे कंट्रोल कर लो, मैं बता रही हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। कैसे करूँ कंट्रोल? जो शख्स घर आ सकता है, वक्त बे वक्त में फोन कर सकता है, वो बाज आने वाला नहीं है। मारो, फोन का हल तो मैंने सोच लिया, नंबर ही बदल लूंगी मैं। अरे अरे ये मत करना गलती, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि उससे गुस्से में बात मत करो। प्यार से बात करूंगी तो और सर चढ़ जाएगा, कल रात भी फोन बंद किया तो जान छुटी है। सही तो शक तो नहीं हुआ? कल रात तो झूठ बोला है मैंने, लेकिन ये झूठ ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। उसे समझा दो कि पीछा छोड़ दे मेरा। किसको? सईद को? दिलावर को। अच्छा ना, गुस्सा क्यों हो रही हो? उसे बात तो कर, पता तो चले कि वो चाहता क्या है। सब्ज बाग दिखा रहा है और कुछ नहीं। सुना नहीं था क्या कह रहा था, सईद से तलाक ले लूं मैं? तेरे समझता क्या है मुझे, जैसे मैं उसे जानती नहीं। सही जैसा भी है, कम से कम मुझे अपनी इज्जत तो समझता है। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा जज्बाती मत हो, वो आएगा तो मैं खुद ही बात कर लूंगी। लो भैया, इश्क में पड़ गई है तो सईद की।